नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोच टाइम बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कौन से पार्टी को कितना वोट मिला, अगर यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने इस चीज को जारी कर दिया है। और यहाँ पे बीजेपी को 24 करोड़ वोट मिला है इस साल, और वहीं कांग्रेस को 14 करोड़, SPQ यानी समाजवादी पार्टी को 3 करोड़, TMC को यहाँ पे 3 करोड़, TDP को यहाँ पे 1.2 करोड़, JDU को यहाँ पे 80 लाख और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 71 लाख वोट मिला है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट हुआ यहाँ पे ये हुआ है कि बीजेपी को और 6 लाख वोट मिल जाता, सिर्फ 6 लाख और वोट मिल जाता तो इनका जो सीट है ये 272 से ऊपर हो जाता। जी हाँ दोस्तों, फिर जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अकेले भी बना सकते थे, इतना पावर बीजेपी को आ जाता है। सिर्फ 6 लाख वोट से यहाँ पे बीजेपी का जो सीट है ये 272 से कम होकर यहाँ पे सिर्फ 240 रह गया है। और इसके पीछे के दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज़ है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी से थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है। वैसे बीजेपी को लोग काफ़ी सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी थोड़े से वोट से ही हारा है। और बीजेपी को यकीनन अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और यहाँ पे अपने कैंपेनिंग और थोड़ा सा मजबूत किया जाए तो बीजेपी आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले हुआ करते थे। यहाँ पे जो इंडिया अलायंस ने जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रमोशन पे ध्यान दिया, जैसे कि आप लोग देखेंगे अभी ये काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आने के बाद वो लोग जो है कांग्रेस के ऑफिस में जा पहुँचे हैं कि अब हमको आप लोग 1 लाख रुपया साल का दीजिए, जो राहुल गांधी जी ने वादा किया है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह के जो वादा कर करके कांग्रेस ने जो है लगभग 14 करोड़ वोट हासिल किया है इस वर्ष। यकीनन दोस्तों ये जो है एक डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। और ये इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया है, इसको जो मैं आपको पर्सनली बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा अभी ये इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और ये काफ़ी बड़ा खबर है। इस पर आपका क्या राय है, आप लोग प्लीज़ सोच टाइम्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तुरंत ही 10 मिनट के अंदर नया अपडेट के साथ मैं आपके पास फिर से हाजिर हो जाऊँगा।